इसके अलावा चेक करेगा एज जो वेरिएबल है वो अगर बी से लेस है तो वो चेक कर देगा, इको करवा देगा ए इज़ लेस देन बी, अदरवाइज ए इज़ नॉट लेस देन बी। और इफ में हमने दिया है एक्सप्रेशन कि इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी देन हमारे पास जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी इज़ नॉट इक्वल टू बी, अदरवाइज ए इज़ इक्वल टू बी। इसके अलावा और अगर हम इसमें चेक करें तो हमारे पास ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है एंड लेस देन एंड इक्वल टू है, कि अगर वैल्यू ए की या तो ग्रेटर है उसके इक्वल है या लेस है या उसके इक्वल है। तो इसको सेव करते हैं, उसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो हमारे पास इसके अगेंस्ट जितने भी टेस्ट केसेस थे वो सब टेस्ट केसेस अगर ट्रू हैं तो उनका रिजल्ट शो हो गया, और अगर ट्रू नहीं है तो उनका जो है फॉल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो गई, यानी कि जो एल्स वाली स्टेटमेंट्स थी वो प्रिंट हो गई। नेक्स्ट ऑपरेटर की टाइप है वो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें जो पीएचपी जो लैंग्वेज है सपोर्ट करती है इसमें हम चेक कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है हमारे पास एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल नॉट है। अगर हम कीवर्ड एंड यूज़ करते हैं कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ़ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, यानी कि दोनों ऑपरेंड्स अगर ट्रू हैं तो फिर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। और कीवर्ड को अगर यूज़ करेंगे कॉल लॉजिकल ऑपरेटर इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, यानी कि ए और बी में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो वैल्यू है देन कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी। अगर दो एम्परसेंड यानी कि यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर में द बोथ ऑपरेंड आर नॉन जीरो, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए इनकी नॉन जीरो होनी चाहिए, देन जो हमारी कंडीशन होगी वो बिकम्स ट्रू होगी। इसमें क्या थी कि ऑपरेंड जो है उसमें जो ऑपरेंड है वो दोनों ट्रू हैं देन उसकी कंडीशन ट्रू है। इसमें ये है कि इसमें वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम और ऑपरेटर को यूज़ करते हैं इफ़ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स आर नॉन ज़ीरो, ये इसमें भी नॉन ज़ीरो है देन कंडीशन जो होगी वो हमारी ट्रू हो जाएगी। और नॉट के लिए हम लोग इस साइन को यूज़ कर लेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को, जिसमें हमारे पास है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इसमें क्या होगा, यूज़र रिफर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड, कि जो हमारे पास ऑपरेंड की वैल्यू होगी उसको वो रिवर्स कर देगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा और अगर फॉल्स है तो वो उसको ट्रू कर देगा। इसी तरह जब हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी, उनकी वैल्यूज़ को हमने नॉन ज़ीरो किया हुआ है और इसमें हमने नॉट ऑपरेटर को यूज़ किया है, नॉट ऑपरेटर को किया है तो हमारे पास जो इसका एल्स स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ए इज़ फॉल्स और दूसरे की भी मेरे पास जो है एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी बी इज़ फॉल्स। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। पीएचपी जो है वो जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, जिसमें इक्वल को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये है हमारे पास सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये असाइन करेगा राइट साइड ऑपरेंड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में। लेकिन अगर हम सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करें तो ए और बी को ऐड करेगा और उसको सी में स्टोर कर देगा। इसी तरह प्लस इक्वल का साइन यूज़ करते हैं तो ये होता है हमारे पास ऐड एंड असाइन, यानी कि वैल्यूज़ को ऐड करो और उसको असाइन कर दो वेरिएबल में। तो सी ए प्लस इक्वल ए अगर करते हैं तो ए की वैल्यू सी में ऐड भी करेगा और उसको सी में ऐड भी करेगा और उसको सी में स्टोर भी करेगा। इसी तरह सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसमें क्या है कि सी माइनस इक्वल टू ए है तो ये किसके इक्विवेलेंट है, सी इज इक्वल टू सी माइनस ए, यानी कि सी में से ए की वैल्यू को माइनस भी करो और सी में उसको अपडेट कर दो, यानी कि उसकी वैल्यू जो न्यू है उसको स्टोर कर दो। इसी तरह मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसमें ए जो होगा वो सी से मल्टीप्लाई होगा और सी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, जो न्यू वैल्यू होगी जो मल्टीप्लाई करने के बाद आई है वो सी में स्टोर हो जाएगी। डिवाइड एंड असाइन भी इसी तरह है कि सी को ए से डिवाइड करेंगे और उसकी वैल्यू को सी में स्टोर कर देंगे। मॉड्यूलस की बात करें तो मॉड्यूलस में ये है कि सी मॉड्यूलस ए उसका जो रिजल्ट आएगा वो सी में स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यूज होंगी वो राइट साइड के ऑपरेंड में स्टोर हो जाएंगी और असाइन हो जाएंगी। इनकी एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।
हाँ भाई, मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, वेरिएबल ए की वैल्यू एक असाइन कर दी है वेरिएबल बी की, और वेरिएबल सी मैंने कह दिया है ए प्लस बी, और उसको मैंने असाइन कर दिया है सी में। इसी तरह सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस को यूज़ किया है। इनके आउटपुट चेक करते हैं, तो मेरे पास उसके जो अकॉर्डिंग रिजल्ट हैं वो शो हो गए हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर की टाइप है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। इट वैल्यूएट्स, इट्स फर्स्ट वैल्यूएट एन एक्सप्रेशन फॉर अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू, कि अगर हमारे हम एक एक्सप्रेशन लेंगे और उसको वैल्यूएट करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, देन एग्जीक्यूट वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो जो हमारे पास इसमें जो है एक से ज़्यादा ऑपरेंड यूज़ होंगे और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूज़ होंगे, और जो स्टेटमेंट एक्सप्रेशन एवेल्यूएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होगी। कंडीशनल ऑपरेटर के लिए क्वेश्चन मार्क और कॉलन का साइन यूज़ किया जाता है, जो कि कंडीशनल एक्सप्रेशन को शो करता है। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन वैल्यू एक्स, अदरवाइज वैल्यू वाई। इफ कंडीशन, यहाँ की हम पहले यहाँ पे कंडीशन देंगे, क्वेश्चन मार्क को यूज़ करेंगे। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो जो हमारे पास कॉलन से पहले वाली वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज जो कॉलन के बाद वाला एक्सप्रेशन होगा वो वैल्यूएट होगा। इसकी एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसमें देखिए कि एक हमने वेरिएबल रिजल्ट लिया और उसमें हमने किया उसको इक्वल किया कि अगर ए बी से ग्रेटर है तो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ए में जो वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट कर दे, अदरवाइज बी की वैल्यू को प्रिंट कर दे, और अगर ए बी से लेस है तो ए में जो वैल्यू है स्टोर है वो उसको प्रिंट कर दे, अदरवाइज बी को प्रिंट कर दे। तो इसके आउटपुट चेक करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई है जो है फर्स्ट वन में, ए बी से ग्रेटर नहीं है, स्मॉल है इसीलिए लेस है, तो इसलिए बी की वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी तरह ए बी से लेस है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो देन हमारे पास जो फर्स्ट वन है इसकी, इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, तो हमारे पास 20 और 10 जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिंट हो गई हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, प्री डिक्रीमेंट होता है और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। इनके इफेक्ट क्या है कि प्री इंक्रीमेंट में जो प्लस का साइन है, जो डबल हम लोग प्लस यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट को, उसको वेरिएबल से पहले लिखेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट में वेरिएबल के बाद। इसी तरह प्री डिक्रीमेंट में जो माइनस का साइन है उन्हें वेरिएबल से पहले हम यूज़ करेंगे, और पोस्ट डिक्रीमेंट में वेरिएबल के बाद। प्री इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट वेरिएबल बाय वन देन रिटर्न्स वेरिएबल वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है पहले उसको इंक्रीमेंट करेगा, देन फिर उसको उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है कि पहले वेरिएबल रिटर्न हो जाएगा, देन फिर उसकी वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट होगी। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। इनकी एग्जांपल इंप्लीमेंट को करके देखते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया है ए और इसकी वैल्यू को इक्वल कर दिया है 5, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू बाद में इसकी इंक्रीमेंट हो गई, और प्री इंक्रीमेंट में इसकी वैल्यू पहले इंक्रीज होगी, पहले 6 होगी फिर बाद में वैल्यू इसकी प्रिंट होगी। इसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट में वैल्यू जो है बाद में डिक्रीज होगी, और प्री डिक्रीमेंट में वैल्यू जो है पहले डिक्रीज होगी। इनकी आउटपुट चेक करते हैं, तो हमारे पास उसके अगेंस्ट वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो गई हैं। सो इस तरह हम डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं उनको पीएचपी में यूज़ कर सकते हैं।